फी आर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म। अगर आपने कोई काम परफॉर्म किया है तो उसकी बेस के ऊपर आप उससे वो ले सकते हैं फीस, ठीक है ना। जिस तरह अगर आप स्कूल की फीस जमा करवाते हैं तो जो फीस लेने वाला है वो फीस रिसीव कर रहा है असल में, ठीक है। यस सर। और कमीशन employs the work done on remuneration agreed on the basis of percentage of income of the employer. अच्छा, फी में इस तरह भी है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे हैं किसी के लिए तो वो आपको आपकी फीस दे देगा, जिस तरीके से आप लॉयर की फीस देते हैं, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और इसके अलावा कमीशन ये होता है कि सपोज आपने अपने एम्प्लॉयर को 10 लाख रुपया कमा के दिया, तो 10 लाख रुपया कमा के दिया है तो वो 10 लाख रुपए की एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको आपके कमीशन के तौर पर मिल जाती है। सपोज जिस तरीके से अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको सेल्स के ऊपर कमीशन दिया जा सकता है कि जनाब अगर आपने मंथली टारगेट 10 लाख का अचीव कर लिया तो 10 लाख का जब अचीव करेंगे तो आपको 5% कमीशन दिया जाएगा, तो 10 लाख का 5% आपको जो है वो एज आ कमीशन रिसीव हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है क्या, परक्विजिट्स? यस सर। परक्विजिट्स में क्या है? मीन फैसिलिटीज बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन हिज एम्प्लॉइज। ठीक हो गया। परक्विजिट मीन द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू हिज एम्प्लॉइज। अच्छा, असल में बात ये होती है कि आपको जब आप जॉब करते हैं तो आपके आपको सैलरी के अलावा भी बहुत सी चीजें जो है वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो देता है। दीज थिंग्स आर नोन एज परक्विजिट्स। और जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसको फैसिलिटीज हैं, और उसको हम देखते हैं कि कैसे जो है ये दोबारा से प्रिंट हो गया। राइट सर। एन्युटीज, एन्युटीज आर अमाउंट्स दैट नहीं 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 इधर देखो ना, इधर वो गलती से वो मेरे ख्याल से दोबारा वो कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था। अच्छा जी, परक्विजिट्स का मतलब ये है कि डिफरेंट किस्म के आपको फायदे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब इसमें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर आपको एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दी है, मीन्स कि अगर एम्प्लॉयर के पास फैक्ट्री में आपने जॉब कर रहे हैं उसकी एम्प्लॉयर की, और फैक्ट्री शहर से दूर है तो वहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए अकोमोडेशन बनाई हुई है तो आपको भी वहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है, तो दैट मींस कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी गई है, ठीक है। आगे पढ़े जी। यस सर। वैल्यू ऑफ एन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन कंसेंशनल रेट। अच्छा, अकोमोडेशन जो है वो आपको कम पैसों में दी जाती है। आपको सपोर्ट करना है किसका? नहीं नहीं, देखो ना, वैल्यू ऑफ एन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट। अगर सपोज आपको वहां पे किसी वसीनिटी में रहते हैं और उसकी उसका किराया है 20,000 रुपया महीने का, और एम्प्लॉयर क्या करता है आपको वहां पे रिहाइश दिलवा देता है और आपको किराया देना पड़ता है 10,000 रुपया, तो आपको कंसेशन मिलगी 10,000 की। ओके, मतलब आपके एक्सपेंस को हाफ वो बियर, मतलब थोड़ा सा वो बियर करता है, आपको उसमें अकोमोडेट करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। आगे चले जी। राइट सर। Insurance premium paid by employer to effect life insurance for the benefit of employee. Insurance premium क्या होता है बेटा, किसी को पता है insurance premium क्या होता है? The insurance premium होता है कि sir एक assurance होती है, sum of amount होता है जो किसी ना किसी हादसे की सूरत में एक कंपनी उसको अकोमोडेट करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए पे करती है। जी बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी हद तक ठीक है। इंश्योरेंस ये होती है कि बंदा आप खुद ना करवाएं, एम्प्लॉयर आपकी जो है इंश्योरेंस पे कर रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई मामला हो जाते हैं, मेडिकल की जरूरत हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ एट स्टेक होती है, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाए
या आपकी जो फैमिली है उसको उसका बेनिफिट मिल जाए। आगे डेट ऑफ एम्प्लॉय, डेट ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी, कोई कर्ज था एम्प्लॉय के ऊपर, वो आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है। वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आर ऑल परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, मींस के अगर कन्वेंस दी हुई है या कन्वेंस दी हुई है तो वो भी आपके परक्विजिट्स में आएगा। उसके अलावा सर्विसेज ऑफ हाउस कीपर हैं, अगर आपको घर के मुलाजिम दिया हुआ है, ड्राइवर दिया हुआ है, गार्डनर दिया हुआ है या कोई डोमेस्टिक असिस्टेंट दिया हुआ है तो भी वो आपके क्या कहते हैं परक्विजिट्स में आएगा। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर जो है वो यूटिलिटी गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन की बिल्स पे कर रहे हैं आपके, तो वो भी आपकी टोटल इनकम में काउंट होगी और दैट इज टैक्सेबल। अच्छा, ये तो थे थोड़े से परक्विजिट्स। और सर कॉन्सेशनल रेट के बारे में बताइएगा, कॉन्सेशनल रेट के बारे में। कॉन्सेशनल रेट का मतलब ये है कि कोई चीज अगर 1000 रुपए की मिल रही है और आपको वो 600 रुपए की मिल जाती है तो दैट इज अ कॉन्सेशनल रेट, यानी कि आपको उसमें रियायत करके दी जाती है। कॉन्सेशनल का मतलब है रियायत, कॉन्सेशन का मतलब है रियायत। आप जाते हैं किसी को कॉन्सेशन कर दें या डिस्काउंट दे दें तो समझ लें आप उसको कॉन्सेशन मांग रहे हैं। अच्छा, ये चीजें थी जो आपकी लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, और इसके बाद हमने दो चीजें और करनी थी, प्रॉफिट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस। मैंने इसकी एग्जांपल्स आपको लास्ट टाइम बताई थी और मैं चले आज आपको दोबारा बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले क्योंकि सारी क्लास अब मौजूद है, मैं आज क्विज नहीं लूंगा आपका, नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को क्विज लूंगा, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के कि सर आज क्विज है कि नहीं है, तो मेरा ख्याल था कि आप लोगों को रेडी होना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट्स रेडी ले जी आज 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 नहीं लूंगा ना, मैं वेडनेसडे को लूंगा, बता तो रहा हूँ, वेडनेसडे को मैं आपको क्विज दूंगा। साथ में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके मुतालिक मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो आपने बाय हैंड जो है उसको फिल करना है और असाइनमेंट के अंदर सबमिट करवा देना, जो मैं आपको यहाँ पे साइन करूंगा टीम्स के ऊपर। अच्छा, टीम्स के अलावा मुझे ये बताएं कि LMS के ऊपर आपकी पोर्टल के ऊपर आपकी असाइनमेंट अपलोड होती है कि नहीं होती? सर मेरे ख्याल से होती है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक सेकंड, एडमिट ऑल हो गए, हो गया हो गया हो गया जी। अच्छा जी, तो किसी ने स्पेशली मुझे फोन किया था कि सर मुझे क्लास में ऐड कर दें। अच्छा जी, आगे प्रॉफिट, मैं अब आपको अभी तक जो हमने पढ़ लिया हुआ है इसका क्विज आएगा इंशाल्लाह, और मैं आपको असाइनमेंट जो है ना आज आपकी अपलोड कर दूंगा, वो असाइनमेंट आपने बाय हैंड जो है वो फिल करनी है, ठीक है ना, बाय हैंड बनानी है जी और हाथ से बना के पेजेस को आपने फिर PDF में कन्वर्ट करके तो आपने वहां पे अपलोड करना है, ठीक है? राइट सर। अच्छा जी, प्रॉफिट जी पढ़ना और असाइनमेंट कब जमा करवानी है बेटा? सब डेट्स उसके ऊपर लिखी होंगी, आपकी जो असाइनमेंट है ना वो क्विज के दिन, जिस दिन आपका क्विज होगा उसी दिन जमा करवानी होगी, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, आप इजीली उस असाइनमेंट करिएगा और फिर वहां पे जमा करवा, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी, अच्छा जी बेटा, सर वो जिसमें वो आपने वो क्वेश्चंस करवाए थे मॉड्यूल 1 और वो एक्सरसाइजेस वाले, सर वो वाली फाइल आपने अपलोड नहीं ना किए? कौन सी मॉड्यूल? ये मैंने कर दी हुई है, ये वाला तो मैंने कर दिया बट फाइल अपलोड। सर जिसमें वो क्वेश्चंस शॉर्ट फॉर्म्स में थे और उसके आंसर्स भी थे? नहीं, ये जो मैंने करवाया है यहाँ पे नहीं सर, वो 19 डेट वाले लेक्चर में एक था जिसमें वो XYZ प्रॉपर्टी XYZ कंपनी थी, कि वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? नहीं, अब हर चीज मैं आपको अपलोड नहीं करूंगा ना, तो आपसे मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ नहीं, वो अपलोड नहीं की मैंने, वो मैं आपको जो है वो अलग सेपरेट नोट्स दे दूंगा,
और वो आपको, आप थोड़ा सा वेट करो, वो मैंने नोट्स कंपाइल किए हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी जो है वो साथ साथ दे दूंगा आपको, आपको इस वीकेंड में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आपने अच्छा किया याद करवा दिया, लेकिन अब आगे आगे इसको देखते हैं, आगे प्रैक्टिस करनी है हमने आगे और क्वेश्चंस की। हम नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था प्रॉफिट इन ली ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी। इसका मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉफिट मिलता है या आपकी सैलरी में कोई चीज ऐड हो जाती है, ठीक है, तो वो भी आपकी टैक्सेबल होगी, तो वो भी आपकी इनकम में कंसिडर होगी। इसकी एग्जाम्पल सुन ले, कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या मतलब है, आपकी जॉब खत्म कर दी उसने और उसके ऊपर आप उसने आपको दो सैलरी जो है वो दे दी है। असल में ये लॉ जो होता है ना इनकम टैक्स, उसमें हर तरह से हर चीज को कवर करने की कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से अगर आपको सैलरी रिसीव हो रही है या पैसे रिसीव हो रहे हैं तो उसको ये टैक्स की मद में ले आए और टैक्स के अंदर ये रहे। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है कॉम्पनसेशन ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स थी जी कि आपको 1,00,000 रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन अब आपने मॉडिफाई करवा ली अपने टर्म्स और अब आपकी 1,00,000 के बजाय 1,50,000 रुपए सैलरी हो गई है, तो ऑब्वियसली ये वो 50,000 जो एक्स्ट्रा है वो भी टैक्सेबल होगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा जी, प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड आपकी ग्रेचुटी की तरह ही होता है कि जब आप रिटायरमेंट लेते हैं या आप जो है वो जॉब छोड़ते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है, उसको अगर जब आप रिसीव करेंगे तो दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम और वो भी टैक्सेबल होगी। ओवर टाइम की अगर पेमेंट्स आपको रिसीव होती हैं तो वो भी आपकी एक एग्जांपल है प्रॉफिट इन ली ऑफ और एन एडिशन टू सैलरी। लास्ट में आता है जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम को हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में इसको अभी हम रहने देंगे और इसको हम बाद में जब इसकी बारी आएगी तब हम इसको जो है वो छेड़ेंगे, ठीक है जी, अभी हमने इसको नहीं छेड़ रहे। और एम्प्लॉय शेयर स्कीम कहाँ से ले आए हैं हम, एक मिनट रुके जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और अभी हम सिंपली टैक्सेबल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही बेटा, स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी? यस सर आ रही है। बिल्कुल खामोशी हो गई आप लोगों की तरफ से। यस सर आ रही है आवाज। सर ठीक है, माइक ऑन करने में टाइम लगता है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, अब हम जा रहे हैं जी सैलरी की कैलकुलेशन करने की तरफ। अब याद करिएगा हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था, एक बेसिक सैलरी होती है, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, ये चीजें हम लोगों ने इसको इस तरीके से एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको और ये हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में किया था, मींस के लास्ट वीक में हमने किया था इसको और एक हमने एक आइडिया लगाया था कि हम किस तरीके से इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, टैक्सेशन की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं जी, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स, अलाउंस एंड बेनिफिट्स, अगर हमने इनकी वैल्यूएशन करनी है तो वो किस तरीके से करना है। पहला जो कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले जब हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है जी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का, ठीक है, ऑफ बेसिक सैलरी। जब भी आपने इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला हेड जो होगा वो हमारा बेसिक सैलरी होगा। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का क्या मतलब है, द अमाउंट वेयर अ सैलरी स्केल ऑफ एम्प्लॉई स्टार्ट्स, ठीक है जी। अब सैलरी स्केल क्या होता है कि सपोज एक बंदे की सैलरी, वो कहते हैं जी 60,000 रुपया आपकी सैलरी है, ये 60,000 रुपया सालाना जो है वो स्टार्ट होगी
और मंथली स्टार्ट होगी और इसमें ईयरली इंक्रीमेंट लगेगा 5000 का और आपकी सैलरी जो है मैक्सिमम अगर आप इसी स्केल पे रहते हैं तो 80,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ये आपका मिनिमम टाइम स्केल या सैलरी का स्केल उन्होंने बना के दे दिया, ठीक है जी। मिनिमम टाइम स्केल के अंदर जो बेसिक सैलरी होती है, सपोज आपकी बेसिक सैलरी कह रहा हूँ मैं, जो मिनिमम सैलरी होती है वो ये आपकी 60,000 होती है और ये एक आपका सैलरी का स्केल आपको सामने मैंने बना के दे दिया। अच्छा जी, बेसिक सैलरी क्या होती है ये बताएगा कोई? बेसिक सैलरी, व्हाट इज बेसिक सैलरी सर? सर जो बगैर किसी इंसेंटिव सर जिसमें इंक्रीमेंट और बोनसेस वगैरह है नहीं। अच्छा जी सुन ले जरा, बेसिक सैलरी मींस द पे एंड अलाउंसेस पेएबल मंथली, ठीक है, और अदरवाइज सर बेसिक वो नहीं होती जो आपको मिलनी होती है, डज नॉट बेसिक में अलाउंसेस ऐड ही होते नहीं? ऐड होते ना, साइड साइड पे होंगे ना, अलग होंगे, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल डीएमएस अलाउंस। डीएमएस अलाउंस क्या होता है? सपोज आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है जी, और इस इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है। तो आपको एक फिक्स हुई होती है जो आपको मिलनी होती है। क्या मिलनी होती है? सैलरी सर बेसिक जी, सैलरी तो फिक्स होती है। नहीं नहीं नहीं, अलाउंसेस अलग होते हैं, बेसिक सैलरी अलाउंसेस अलाउंसेस अलग होते हैं, बेसिक सैलरी ज्यादा होती है। इसकी अभी कैलकुलेशन जब हम करने लगेंगे ना तो अभी हम मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ करें ना करें बेसिक सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, वो ऐसा नहीं होता। अगर आपकी करने भी मिलती है लेकिन वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस उसकी बोनस वगैरह अलाउंसेस वगैरह वो तो अलग होते हैं ना, वो अलग सेपरेट होते हैं। असल में बेसिक सैलरी का मतलब ये है कि आपकी जो विदाउट एनी इंसेंटिव्स विदाउट एनी परक्विजिट्स और जो असल में इसको इसीलिए तोड़ा जाता है ताकि आपकी जो है ना टैक्स ब्रैकेट जो है उसको बेहतर बनाया जाए और आपको कम टैक्स पड़े। खैर आगे चलते हैं, मैं आपको ये समझाते जाता हूँ ना साथ साथ, आप देखते जाए, ठीक है जी। अगर आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है और आपको कंपनी या फिर आपकी गवर्नमेंट से अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको वहां से कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो देन दैट इज योर डीएमएस डीएमएस अलाउंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूं मैं, डीएमएस अलाउंस अलाउंस की, तो उसमें आ रहा है जी डीएमएस पे अनलेस इट इज टेकन इनटू अकाउंट और computation computation of superannuation or retirement benefit of the employee G. Second है एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में सपोज अगर आप एज एन एम्प्लॉय 1,000 रुपया जमा करवाते हैं तो एम्प्लॉयर भी आपके प्रोविडेंट फंड में उतनी ही अमाउंट या उसकी हाफ अमाउंट या कोई डिसाइडेड अमाउंट उसके अंदर जमा करवाता है, और जब एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो आपको ये प्रोविडेंट फंड जो है वो मिल जाता है। सम स्पेशल अलाउंसेस कन्वेंस अलाउंस और अकोमोडेशन के अलाउंसेस, मेडिकल का अलाउंस, इनमें से
कोई भी जो है वो बेसिक सैलरी के अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है जी। ये सेपरेट ये तीन चीजें हैं, इसके अलावा आपकी बेसिक सैलरी होगी, और बेसिक सैलरी को या सैलरी को अब हम आगे चल के कैलकुलेट भी करना सीख लेते हैं। सर ये थोड़ा थोड़ा जरा दोबारा बताइएगा सर, वो ना समझ नहीं आई तीनों ये पॉइंट्स के, थोड़ा थोड़ा बताइएगा। अच्छा मैं दोबारा से बता देता हूँ। वो कहता है जी बेसिक सैलरी में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा जी, बेसिक सैलरी में आपकी पे है जो आपको मंथली मिलती है, और इसमें ये तीन चीजें जो है वो शामिल नहीं होती। एक है डीएमएस अलाउंस, अगर सपोज आपके मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है और आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो वो आपकी जो है वो बेसिक सैलरी में शामिल नहीं होगा। और उसके अलावा आपको डीएनएस पे मिलती है और वो आपकी एन्युटी में शामिल होने के लिए मिलती है, तो उसको भी हम इसमें शामिल ही करेंगे। और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जो है वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड आपको प्रोविडेंट फंड के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर पेमेंट करता है वो भी बेसिक सैलरी में शामिल नहीं होगा। फिर इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस हैं, कन्वेंस अलाउंस है, अकोमोडेशन अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, ये आपकी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड नहीं होंगे, लेकिन हम इसको सेपरेट जो है वो कैलकुलेट जरूर करेंगे, ठीक है जी। और सैलरी क्या होती है, आगे समझ बेटा जी स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। अच्छा जी, यस सर। सैलरी की कंप्यूटेशन करनी है हमने। For the purpose of determining the value of perquisites, allowances and benefits, salary kya hai? Salary includes basic salary, uske baad overseas allowance, EMS allowance, acha ji, cost of living allowance, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हर केस में या हर एम्प्लॉय को नहीं मिलती। तो वैसे ही काफी चीजें जो है वो हमारे क्वेश्चंस में जो है वो निकल जाएंगी, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी कंपनी में चल रही हैं और वो किसी कंपनी में दिए जा रहे हैं, तो वो फिर हम जब सवाल करेंगे तो इसको हम देख लेंगे। अच्छा, एक मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, नोट्स आपके पास ही है ना बेटा, आप नोट्स देखें खोल के? यस सर। कौन से नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं सर? वो जो लेदर उस पे वर्ड पे आपने बनाए हुए हैं, कंप्लीट नोट्स है ना ये, देखो वर्ड के अंदर। यस सर। अच्छा, ये मैं अभी ऊपर भी कर रहा हूँ साथ साथ। ये देखिए जी, ये टेक्स्ट के नोट्स हैं और इसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हेड्स ऑफ सैलरी आ गए। अब बेसिक सैलरी है 75% में लिखा हुआ है जी, इसमें गोल्डन हैंडशेक की भी बात की जा रही है और एग्जांपल भी दी जा रही है। फिर इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी आ रही है। बेसिकली हम यहाँ पे अब आ चुके हैं कंप्यूटेशन की तरफ, हम आ चुके हैं और हम एक एक करके जो है ना तमाम आइटम्स को देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और जब मैं एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी दे दूंगा कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, तो आपको ये जो टेबल हमारे सामने बना हुआ है ये खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने ये टेबल जो है वो आसानी के लिए बनाया है। और जब भी हम कोई सवाल हल करने लगेंगे, हम टेबल एक साइड पे खोल लेंगे और साथ ही साथ अपना जो है वो सवाल हल करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये इनकम टैक्स फ्रॉम आपकी सैलरी की जो तमाम की तमाम कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे आप दो तीन सफों के ऊपर जो है हमने इसको बनाया हुआ है। ये इसकी की है, समझ लें ये इनकम फ्रॉम सैलरी की बनी हुई है ये सारी की सारी, ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं एक्सेल की शीट के ऊपर और साथ ही साथ हमारे ये स्टूडेंट्स यहाँ पे वापस आ जाते हैं। दें जी, बेसिक सैलरी की बात कर रहे थे हम, और बेसिक सैलरी को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रेकग्नाइज्ड
प्रोविडेंट फंड, और वही बात की है दोबारा से, अपार्ट फ्रॉम दीज फ्रॉम द अबव मेंशन वन एंड टू एनी अदर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी, एनी अदर अमाउंट इज इंक्लूडेड इन सैलरी. ठीक है जी. इफ इट एंटर्स इन टू द कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन एंड रिटायरमेंट फंड. ठीक हो जी. इफ इट enters into the computation. जहां पे समझ नहीं आती बेटा पूछिए मुझसे. Question of pension and retirement fund. मैं जी इसकी example करते हैं हम. जी students, कौन करेगा मेरे साथ example? जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? और इसका एक लमसम आपको आफ्टर योर रिटायरमेंट या रिटर्न के करीब आपको मिलता है मेरे ख्याल से. जी 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 जी. किसकी बात कर रहे हैं आप? Yes sir, any other amount is included in salary if it enters into the computation of pension and retirement fund. जी जी बिल्कुल. आज यदि इलस्ट्रेशन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन करते हैं, हम एग्जांपल कर लेते हैं. अच्छा जी, एक मिस्टर शाहिद साहब हैं और मिस्टर शाहिद एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनका स्केल है 60,000 और 1,000 और 70,000. इसका मतलब क्या है बेटा, मुझे बताइए, कोई बताएगा स्केल का मतलब क्या है? सर ये वो मिनिमम टाइम स्केल है. टाइम स्केल. अच्छा, और इसका मतलब क्या है, जो फिगर्स देखी हुई इसका मतलब क्या है? सर 60,000 की बेसिक सैलरी होगी. अच्छा, 1000 रुपीस मेरे हिसाब से इनके रिटायरमेंट फंड्स होंगे और सर सेंट्रल सॉल्यूशन की वो है 7000 उसके. नहीं, मैंने आपको ये थोड़ी देर यही बात है ना, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया है कि 60,000 रुपया जो है ना उनकी सैलरी है. शुरू हुई है 60,000 से. 60,000 से शुरू हुई है. हर साल उनको 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा. यस सर. और मैक्सिमम जो इनकी सैलरी जा सकती है स्केल के ऊपर वो 70,000 रुपए तक जा सकती है. तो ये स्केल का मतलब है. फॉर द टैक्स ईयर 2020 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स. उसको सैलरी मिल रही है, सैलरी मिली है उसे 65,000 रुपया पर मंथ पर मंथ. और सेकंड उसके साथ कहता है कि बोनस मिला है. बोनस कितना मिला है जी उसको? 1,30,000 रुपया. और टोटल फॉर द ईयर मिला है. और तीसरी क्या चीज मिली है उसे? डीएमएस अलाउंस. अलाउंस मिला है कितना? 6,000 पर मंथ. नहीं जी, ये था. अब हमने व्हाट विल बी हिज मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी एंड सैलरी फॉर द ईयर टैक्स ईयर 2020. हमसे सवाल पूछा हुआ है कि मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी उसका कितना है क्वेश्चन मार्क. और ठीक है जी, और सैलरी कितनी है उसकी फॉर द टैक्स ईयर 2020. अच्छा, ये दो सवाल उसने हमारे साथ से किए हैं. तो इसमें बताइए जी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी कितना है उसका? 60,000. अच्छा, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ द ले जी उसका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी हम निकालते हैं जी. मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ. ठीक है जी, ये है जी 60,000 तक आप ठीक थे. मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे इसको 12 के साथ. मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो इसका आंसर आएगा
720,000 समझ आई। मिनिमम टाइम स्केल के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी बनती है 720,000 और यहाँ पे हम इसका मिनिमम टाइम स्केल जो है वो बना के लिख देंगे 70,000। ठीक हो गया, इस तरीके से हम इसको कंप्यूट करेंगे। सेकंड इसका क्वेश्चन है हमारे से कि इसकी जो है वो सैलरी कितनी है। ठीक है जी, टोटल सैलरी कितनी है। तो राइट नाउ उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, बेसिक सैलरी इसकी कितनी है, ऐड कर देंगे और डीएमएस अलाउंस माइनस कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे पहले हम सर, ये सैलरी बोनस ये ऐड करेंगे। बेसिक सैलरी बेटा उसकी कितनी है राइट नाउ? 65,000 है बेटा, 65,000 और इनटू 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 780,000। बेसिक सैलरी उसको 65,000 मिल रही है ना जी सर हर मंथ के हिसाब से। टैक्सेशन के लिए हमें हर अमाउंट को लेके जाना होता है किस पे, ईयरली के ऊपर लेके जाना होता है, क्योंकि टैक्स आपको ईयरली इनकम के ऊपर देना है और आप जब तक ईयरली इनकम आपकी 6,00,000 से ज्यादा नहीं होगी तब तक आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। तो हमें 6,00,000 सॉरी हमें जो भी हमारी बेसिक सैलरी पर मंथ में दी जाती है इसको हमें ईयरली में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, बेसिक सैलरी अभी हमारी कैलकुलेशन होगी जी, बेसिक सैलरी की। अब हमने इसमें बाकी चीजें शामिल करनी है, बोनस अब इसमें शामिल किया हमने। बोनस कितना था जी, बोनस लिखा हुआ जी उसने 1,30,000 रुपए का, 1,30,000 रुपए को हमने इसमें एज इट इज शामिल कर दिया। फिर हमारे पास डीएमएस अलाउंस आया, डीएमएस अलाउंस था जी 6,000 पर मंथ का, इंटू 12 किया तो ये 72,000 बन गया। तो हम लोग तीन चीजें हमारे पास निकल के आई हैं, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, इज इक्वल टू प्लस प्लस और ये हमारे पास 9,82,000 की जो अमाउंट है ये आ गई है हमारी टैक्सेबल टोटल इनकम। समझ ले जी, टोटल इनकम है इसको, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लो और इसके ऊपर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद है कैसे कैलकुलेट किया था हमने टैक्स? यस सर। कैसे सर? 6,00,000 इसका लगा निकालेंगे जो बाकी बचेगा और उसके अंदर से 5% कट होगा, नहीं 10% कट होगा, 5% या 10% जितनी भी है उसकी परसेंटेज हम उसको कट कर लेंगे। 5%। ठीक है जी, अच्छा कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, आप 5% इसके बाद फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर की बात करते हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स में सबसे पहले हमारे पास आती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के अंदर 2 से 3 रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। ठीक है जी, अकोमोडेशन में अगर हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अकोमोडेशन में आ गया जी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनी अकोमोडेशन अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस द होल अमाउंट टू रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल। हाउस रेंट अलाउंस की सूरत में आपको कोई भी रकम मिलती है तो दैट इज टोटली टैक्सेबल। कैसे? हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि आपके पास घर का किराया देना शुरू कर देता है या आपको एम्प्लॉयर जो है वो कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी है उसके अलावा 10,000 रुपया पर मंथ आपको अकोमोडेशन की मद में देंगे हम हाउस रेंट अलाउंस की सूरत में। तो हाउस रेंट अलाउंस जो है वो हमारा टोटली टैक्सेबल है और इसको मैं यहाँ पे ए मेंशन कर देता हूँ जी, हाउस रेंट अलाउंस। ये मैं आपको पहले एक दफा बता चुका हूँ, याद है ना आपको कि मैं हाउस रेंट अलाउंस का पहले बता चुका हूँ सर। जो रेंट के लिए पैसे मिलेंगे उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा जी, वो आपकी इनकम में शामिल होगा ना बेटा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बंदा है मिस्टर शरीफ इज वर्किंग इन द स्केल ऑफ 20,000
इसकी एग्जांपल देख लें, मिस्टर शरीफ का स्केल है जी 20,000 और उसके बाद 2,000 और 30,000 तक जो है इसकी सैलरी जा सकती है। इस बेसिक सैलरी है प्रेजेंट इज राइट नाउ बेसिक सैलरी उसकी 24,000 है, ठीक है जी, 24,000 है उसकी बेसिक सैलरी पर मंथ। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। उसको हाउस रेंट अलाउंस या हाउस का अलाउंस मिला है 10,000 पर मंथ। तो अब उसकी अगर हम कैलकुलेट करेंगे इनकम, तो इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक सैलरी सैलरी बेसिक सैलरी उसकी कितनी बनेगी भाई, 24,000 इनटू हाउस अलाउंस, ये सो रहा है लड़का मुझे लगता है अभी 24,000 इनटू 12,000 सो रहा है 288,000 24,000 इनटू कितना करेंगे इनटू 12 करेंगे तो और इसका आंसर क्या आएगा 288,000। वेरी गुड, ये लड़का जो है ना ये तो बहुत तेज जा रहा है। और इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा इसका स्केल भी लिखेंगे हम, स्केल इसका लिखेंगे, स्केल इसका है जी 20,000 से लेके 2,000 और 30,000, ठीक हो गया जी। इसका स्केल हमने नीचे मेंशन कर दिया और यहां तक जो है हमारा काम एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसकी हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस कितना आएगा यहाँ पे सर 10,000 × 12 = 120,000 और टोटल टैक्सेबल इसकी सैलरी जो है वो कितनी आ जाएगी 120,000 इज इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी आएगी इसकी प्लस 120,000 तो ये आ गया जी 408,000 रुपया जी इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। उसकी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी इज इनकम फ्रॉम सैलरी इज 408,000। अच्छा जी इसके अलावा सेकंड केस था इसमें अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाती है, अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है। लेकिन अकोमोडेशन फैसिलिटी को समझ लें, अकोमोडेशन फैसिलिटी इफ एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड अ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड का मतलब ये है कि उस घर में तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, बेड लगे हुए हैं, फर्नीचर मौजूद है, एसी लगा हुआ है, टीवी भी मौजूद है, फर्निश्ड का मतलब ये होता है। और अनफर्निश्ड का मतलब ये है कि उसमें कोई सामान नहीं है, खाली घर दिया है। द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉई एज द वैल्यू ऑफ द दिस परक्विजिट्स, ठीक है जी। टोटल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे इनकम ऑफ द एम्प्लॉई के अंदर। अब उसको कैसे करेंगे, द अमाउंट दैट would have been paid by the employer in case such accommodation was not provided. अब जो amount है ना सबसे पहले वो कौन सी है जो हम शामिल करेंगे, the amount that would have been paid if by the employer if such accommodation is not provided. अच्छा ये इसका मतलब ये है कि accommodation बंदे ने बंदे को जो है वो कंपनी ने नहीं दी, लेकिन इस तरह की accommodation अगर कंपनी लेके देती तो वो 15,000 रुपया या 20,000 रुपया या 25,000 रुपया जो है उसकी कॉस्ट होनी थी और वो जो सॉरी कंपनी ने पे करना था 15,000 रुपया या 20,000 रुपया या 25,000 रुपया, ठीक है जी। और सेकंड केस क्या है, इस इन दो केसेस की हम एग्जांपल्स भी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल एमटीएस ऑफ द
बेसिक सैलरी, ठीक है जी। ये दोनों चीजें देखेंगे और उसमें हम इसके बाद क्या करेंगे, विच एवर फ्रॉम वन फ्रॉम ए और बी इज हायर, उसको हम टोटली टैक्सेबल कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है, क्या कर दें, क्लास में ऐड कर दें मूसा को, केक कर दिया किसी ने, एडमिट ऑल, ओके। अच्छा इस दफा मुझे, अब मुझे इंटीमेशन नहीं आती आपकी कि क्लास में ऐड करना है, क्लास में नहीं ऐड करना। सर अगर हम क्लास में ऐड हुए हैं तो दोबारा बैठ चले जाते हैं ना, दोबारा ऐड भी नहीं हो जाता, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा चलें कोई नहीं, मैं ये कॉम्पिटेंस कर देता हर दिन। अच्छा मैं एग्जांपल करवा लूँ, इसके बाद ना आपकी वो अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, हमने मिस्टर शबीर साहब है कोई, ही इज वर्किंग इन अ स्केल, एग्जांपल सुन ले जी के शबीर साहब काम कर रहे हैं और उनका स्केल है जी 25,000 से लेके 35,000 तक का स्केल है उनका जी। एट प्रेजेंट हिज बेसिक सैलरी इज 30,000 उनकी बेसिक सैलरी है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2020 मिस्टर शबीर वॉज प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है एम्प्लॉयर ने दिए उन्हें, ठीक है जी। ही वॉज एंटाइटल्ड, उनका एंटाइटलमेंट थी कितने की, एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन अलाउंस ऑफ 15,000 पर मंथ, ठीक हो गया जी। इफ दिस अकोमोडेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, यानी कि अगर ये अकोमोडेशन ना दी जाती इनको तो 15,000 रुपया इनको महीने का एंटाइटलमेंट थी इनकी, इनको 15,000 रुपया मिलना था। अब ऑब्वियसली 15,000 रुपया इनको नहीं मिल रहा, इनको अकोमोडेशन मिली हुई है। What is the total income of Mr. Shabir? अब total income इसकी calculate करनी है। Total income calculate करने के लिए सबसे पहले हमें basic salary निकालनी होगी। Basic salary कितनी है जी इनकी? 30,000 into 12 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3,60,000 आ गया। और इसके हमें क्या, इसके नीचे हमें इनका scale लिखना होता है, तो ये 25,000 रुपया, 1,000 रुपया और 35,000 रुपया, ठीक है जी। बहुत से केसेस में अगर आपको स्केल नहीं दिया जाएगा तो आपने क्या करना है कि आपने बेसिक सैलरी जो होगी उसी को आपने कंसिडर कर लेना, ठीक है जी। अगर यहाँ पे स्केल दिया हुआ है तो हम स्केल को ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब हम कर रहे हैं जी वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी, हमने अब वैल्यूएशन करनी है अकोमोडेशन फैसिलिटी की और उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ए और बी दोनों को कैलकुलेट करना है। अमाउंट ए में लिखेंगे अमाउंट रिसीवेबल इफ अकोमोडेशन नॉट गिवन, ठीक हो गया जी। इफ अकोमोडेशन इज नॉट Not given. अब ये कैसे निकालेंगे, ये हमने निकालनी है 15,000 is equal to 15,000 into 12. तो ये आ गई 1,80,000, ठीक हो गया जी सर, ठीक हो गया। ये ए की सूरत में हमने ये सिनेरियो बनेगा और बी की सूरत में क्या बनेगा, बी की सूरत में बनता है कितना 45% ऑफ मिनिमम एमटीएस, ठीक है जी सर। एमटीएस का क्या मतलब है, ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, ओके सर। अच्छा जी 45% ऑफ एमटीएस किस तरीके से निकाल लेंगे, एमटीएस क्या है,
मिनिमम टाइम स्केल क्या क्या है बेटा बताएं? 45,000 से करेंगे तो ये आ गया 135,000 एक लाख आपने कैलकुलेटर पकड़ा हुआ बेटा? यस सर। अच्छा अब ये 1,35,000 आ गया, कैसे आया कि हमने 25,000 जो कि मिनिमम टाइम स्केल की सबसे छोटी अमाउंट थी जहां से स्केल स्टार्ट हो रहा है उससे मल्टीप्लाई किया 12 को, सालाना इनकम कितनी बनेगी और फिर उसका 45% हमने जो है वो ले लिया। अब इसमें से हायर कौन सा है? दोबारा बताना दोबारा। अच्छा जी मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि मिनिमम टाइम स्केल की सबसे छोटी अमाउंट यहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है दैट इज 25,000, उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं ले लेता हूँ टेंडर, 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 12 से, कि पूरी साल की हमें सैलरी निकालनी है और उसका हमने 45% जो है वो ले लेना है। ठीक हो गया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 45 के साथ तो ये हमारा 1,35,000 आ गया। अब जो सेकंड पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि इसमें से जो हमारा विच एवर फ्रॉम ए और बी इज हायर इसको हमने कंसीडर करना है। तो इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट कौन सी है? 180 सर, जिसमें 180 हो गई जी। तो द हायर अमाउंट विल बी टेकन और द हायर अमाउंट विल बी ठीक है। अब सिंपली हम लोग हायर अमाउंट लिख लेते हैं 1,80,000 रुपया और इसको हम फिर टोटली टैक्सेबल कर लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लगा दें जी बेटा। लगा रहा हूँ बेटा। ये जी 5,40,000 बन रहा है जी एस सच और नहीं जी अब आपकी टेंडर्स में लगा लो। यस सर। सर ये एमटीएस क्या है सर? एमटीएस मिनिमम टाइम बेटा मुझे पहले टेंडर्स में मिनिमम स्केल टाइम एमटीएस है मिनिमम टाइम स्केल है। हाँ जी बताइए इनको एमटीएस क्या होता है मिनिमम टाइम स्केल। जी सर लग गई पता। सर अब टेंडर्स की बारी है सारे उड़ जाएंगे। कोई बात नहीं है, ये जो पंछी उड़ जाते हैं ना टेंडर्स के बाद पेपर में भी उड़ जाते हैं बेचारे। असल में होता ये है ना बड़ा काम खराब है ना टेंडर्स का। टेंडर्स तो पेपरों में भी उड़वा देती है ना। खुसर पुसर कौन कर रहा है? आमना अली जी आमना अली है। आमना एब्सेंट सर। आमना अली एब्सेंट। अरीबा
अरीबा का है सर, ये वैसे प्रेजेंट है लेकिन इनकी लाइट चली गई है। नहीं सर प्रेजेंट हूँ। अरीबा भी प्रेजेंट है। अरीबा के बाद नेक्स्ट कौन है जी? सर काशिफ नईम। काशिफ नईम प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसाम प्रेजेंट सर। सबूर प्रेजेंट। मोहम्मद अब्बास प्रेजेंट सर। सैयद अनुश अली करमानी प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला आलम अब्दुल्ला आलम भी प्रेजेंट है लेकिन बोल नहीं रहा सर। उसका मैसेज आया, उसका माइक का मसला चल रहा है। अच्छा जी, अब्दुल्ला आलम के माइक का मसला चल रहा है। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्लास पार्टिसिपेशन तो अब्दुल्ला आलम बिल्कुल नहीं कर सकते ना। अब्दुल्ला आलम हो गया। अली हुसैन, अली हसन है, उमर इश्तियाक है, मोहम्मद साद ताहिर है, और मोहम्मद साद ताहिर के बाद शहान है, शहान के बाद शिराज, शिराज के बाद तलहा बिन आसिफ, हमजा हुसैन, और उसके बाद मोहम्मद अदी अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला भी हो गए। ठीक है जी, ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला के बाद चौधरी वकास, शहबाज, उसामा प्रेजेंट सर। इकबाल, इकबाल को गई है, इकबाल को मैंने ऐड कर लिया था। इकबाल इज एब्सेंट। इकबाल को इकबाल एब्सेंट है, और उसके बाद अवैस प्रेजेंट है जी, अदीब भी प्रेजेंट है, जरनाब भी प्रेजेंट है, आदि मलिक, हादी मलिक भी प्रेजेंट है, उमर इकबाल, अलीशा भी प्रेजेंट है, हमजा हनान प्रेजेंट, ईशा ताहिर, मोहसिन, ईशा बिनते ताहिर, ओके, मोहम्मद अदनान आमिर, मोहम्मद अदनान आमिर इज प्रेजेंट, अब्दुल मुईज, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद ताहफ, तहफियाज, मूसा, मोहम्मद नजम, जुहेब, जुहेब एब्सेंट है। ठीक है जी, जुहेब इज एब्सेंट। जुहेब अमजद हमारी क्लास में ऐड है इस टाइम पे। दो स्टूडेंट्स एब्सेंट है ना, तीन। अच्छा तीन एब्सेंट है, इकबाल एक दो और आमिर अली। ठीक हो गया जी, सेव कर दिया हमने अटेंडेंस। और प्रेजेंट स्टूडेंट 34, एब्सेंट इज 3, 37 एंट्रीज, ओके डन। ले जी हम आगे चलते हैं। तो ये 54,000 हमने हायर अमाउंट जो है वो कंसीडर कर ली थी और इसको हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज If there is no time scale, basic salary should be taken for computation. Means अगर यहाँ पे टाइम स्केल ना दिया होता, if no time scale, तो then we have to take, we will take basic salary. और basic salary का फिर हम कितना ले लेते हैं, 45%. अगर हम basic salary का 45% लेते हैं तो 30,000. क्या मसला है? बेटा मसला बाद में देख लेना। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 45.45, तो 162,000 बन जाता। और 162,000 जो है वो फिर भी 180,000 से कम है, तो 180,000 ही हम इसको ले लेते। सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड वेयर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इज। सर ये हमने मल्टीप्लाई कैसे किया सर, ये प्लीज मल्टीप्लाई भी साथ कर दे ताकि पता चल जाए। ये देखो ना,
30,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये पूरे साल की सैलरी निकल आई, और उसका 45% लेंगे तो उसके लिए हमें 0.45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो ना जरा, अगर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो उसका मतलब क्या है 0.45। ठीक है जी, जी सर, जी सर। मैंने इसी डायरेक्टली 0.45 से साथ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, और इलस्ट्रेशन में कहा गया जा रहा है कि सेम इलस्ट्रेशन जो हमने प्रॉब्लम नंबर ये अभी पहले सॉल्व की है, वो कहता है कि अकोमोडेशन अलाउंस ये 15,000 की जगह पे अगर 7,000 रुपया हो तो तब क्या बनेगा की बात। ठीक है जी, तो 7,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बन गया जी 84,000। तो अब 84,000 बन गया, तो अब 84,000 बड़ा है या 135,000 बड़ा है जी, बताएं कौन सी अमाउंट बड़ी है। सपोज कि यहाँ पे 80,000 की जगह पे 84,000 आ जाए सिर्फ, तो 84,000 अगर आ जाता है तो फिर हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, हमें 135,000 रुपए की अमाउंट हम लेंगे, और यहाँ पे फिर ये अमाउंट टोटली चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगी 4,95,000। तो याद रखिएगा कि अगर तो आपकी अमाउंट्स ऊपर नीचे जो है वो चेंज हो रही है तो सिर्फ उनमें से हमने हायर अमाउंट जो है उसको कंसिडर करना है, और हायर अमाउंट को ही हम लोग लेंगे। फिर सर ये 84 आपने सर वो कैसे लिया है, इफ अकोमोडेशन नॉट गिवन, तो ये कैसे सर आई है? ये देखो ना, उसने हमें कहा था कि 7,000 रुपया पर मंथ जो है वो अकोमोडेशन है, ठीक है, 15,000 की जगह 7,000 रुपया है, तो 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो दैट बिकम्स 84,000। जी सर, जी ठीक है सर, हो गया। अच्छा एक और सिनेरियो है, ये दो सिनेरियो तो हमने देख लिए, थर्ड सिनेरियो ये है कि अगर कोई बंदा जिसको सम सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको जो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है वो सपोज कोई रिमोट एरिया में रहता है, रिमोट एरिया का मतलब ये है कि वो बड़े शहर में नहीं रहता, लाहौर कराची इस्लामाबाद रावलपिंडी में नहीं रहता, तो उसकी जगह पे वो छोटे शहरों में रहता है, मींस के खुशाब हो गया, लिया हो गया, बकर हो गया, बहावलपुर हो गया, तो उसके लिए ये 45% का स्केल इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए फिर हम करेंगे 30% का स्केल। ठीक है जी, उसको हम यूज करेंगे 30% ऑफ MTS या और ऑफ बेसिक सैलरी, सॉरी ऑफ बेसिक सैलरी, उसके लिए हम 30% का बेसिक स्केल इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा कि अगर अमाउंट रिसीवेबल इफ अकोमोडेशन नॉट गिवन वो ज्यादा बड़ी है या फिर 30% जो है वो ज्यादा बड़ा है, तो हम जो विच एवर इज हायर हम उसको कंसिडर कर लेंगे। सेम केस ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि सपोज किया कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ये इसको 7,000 रुपीज जो है वो मिल रही थी अकोमोडेशन, लेकिन इसका क्या है कि ये इसका मिनिमम टाइम स्केल तो ये 30% से फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.30 से हमने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आएगा जी 0.30, तो ये बन गया जनाब 90,000। तो 90,000 इज अ बिगर अमाउंट देन 84,000, और हम इसको 90,000 को आगे लेके चलेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, हमने सेम एग्जांपल को कंसीडर करना है कि मिस्टर शब्बीर जो है वो रहते हैं, उनका उनकी सैलरी है 25,000, 10,000 और 35,000 का मिनिमम टाइम स्केल है, बेसिक सैलरी उनकी 30,000 चल रही है, तो उन्हें अकोमोडेशन दी जा रही है खुशाब में, उनको जो अलाउंस मिल रहा है उनकी एंटाइटलमेंट थी 7,000 की, 7,000 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 84,000 आ जाता है, तो उनकी अकोमोडेशन फैसिलिटी की जो एंटाइटलमेंट थी वो सालाना 84,000 थी। अब हम क्या करेंगे, अब उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो अगर छोटे शहर में रहते हैं तो उसको 45% की जगह पे हम लोगों ने 30%
की जो है वो मिनिमम टाइम स्केल की देनी है, एंटाइटलमेंट और सॉरी बेसिक सैलरी का जो 45% है हम लोगों ने कैलकुलेट, 45 की जगह पे हम 30% को कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे भी 30% कर देता हूँ। तो हमने जब 30% कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 90,000 आ गया। अब इन दोनों अमाउंट्स में से कौन सी अमाउंट ज्यादा बड़ी है, दैट इज 90,000, और 90,000 को फिर हम यहाँ पे जो है वो ले आएंगे। और ये था जी आज का आपका जो कोर्स हमने करना था, आज हमने अकोमोडेशन कर ली है और साथ के साथ हमने इसकी बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन करना शुरू कर दी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी और अलाउंसेस के अंदर जो है हमारी अकोमोडेशन को आज हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग लेके चलेंगे कन्वेंस को, कन्वेंस अलाउंस सीखेंगे और आपका क्विज होगा और फिर मेडिकल के एक्सपेंसेस वगैरह भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी मुलाकात होगी। जी बेटा क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर जो टाइम्स जी बेटा टाइम स्केल में सर जो आपने 25,000 किया लिए 1000 लिखा हुआ है सर, ये 1000 क्या चीज है, जैसे वो 25 बेसिक सैलरी है और 35 तक जा सकती है तो बीच में ये 1000 है सर, ये क्या सालाना इंक्रीमेंट होगा 1000 रुपए का। ठीक है सर, सालाना इंक्रीमेंट 1000 रुपए का। अच्छा और कोई क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कोई और आपका? जी सर जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने वो सर जो जो एक लड़का पूछ रहा था वो आपने अपलोड नहीं किया हुआ कोर्स मटेरियल, तो मैं शुरू वाली क्लासों में सर था नहीं तो वो उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि मैंने ना कोर्स मटेरियल तमाम का कोर्स पैक दे दिया हुआ है। जी सर कोर्स पैक मैंने दे दिया हुआ है सारा, आपके LMS पे भी मौजूद है और आपके टीम्स के ऊपर भी मौजूद है। टीम्स के अंदर आप जाएंगे ना बेटा तो टीम्स के अंदर मैंने पहले से डाल दिया हुआ है और ये आप टीम की फाइल्स में चेक करोगे। कहाँ से जाएंगे भाई, टीम्स में चले गए और ये गया मैनेजमेंट, ये देखें जी फाइल्स के अंदर जाएंगे आप और ये फाइल्स के अंदर मैंने क्लास मटीरियल के अंदर लोड किया हुआ सारा मटीरियल मैंने दिया हुआ। ठीक है सर, ये शीट भी अपलोड कर दें काइंडली। ये शीट मैं अपलोड कर देता हूँ और ये ले जी मैं अपलोड कर देता हूँ फाइल्स, ये इनकम टैक्स के नाम से ही दोबारा फाइल आ रही है। इनकम टैक्स पहले भी 19 मार्च को अपलोडेड थी, रिप्लेस कर देते हैं जब रिप्लेस हो गई। ठीक है जी बेटा, ओके हो गया, रिप्लेस हो गई है और ये फाइल साथ साथ मैं मेंटेन, देखो भाई मैं स्लाइड से भी पढ़ा सकता हूँ आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, इस तरह आप लोग जो है ना आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहाल रहेगा। यस सर, ठीक है ना, स्लाइड तो क्या होगा यार हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये साथ साथ चीजें जो बन रही है ना ये आप लोगों ने इसको बताना है साथ साथ, बल्कि बनाते जाया करें बेटा, आप सुनते ना करें, सिर्फ अपने हाथ से भी काम किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अच्छा इसके अलावा अगर आप लोग अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो मार्केट में दो बुक्स अवेलेबल है, एक बुक है जी क्या नाम है जुल्फकार भोरा साहब की बुक है इनकम टैक्स के ऊपर और एक है मौजम मुगल साहब की बुक है, ये दोनों आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएंगी, बी कॉम के लिए लगवाई हुई है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस्तेमाल होती है, तो आप इनमें से देख लें, कोई भी बुक आप ले सकते हैं अगर अपने कोर्स रेफरेंस के लिए लेनी है। और एक हमारी यूसीपी की बुक अवेलेबल है फरीद साहब की, आप अगर वो बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बेटा? सर क्वेश्चन ये है सर अभी पता नहीं चल रहा सर, जो क्विज वगैरह आपने लेना है तो वो कैसे लेना है? क्विज में आपको MCQs दूंगा बेटा, क्विज MCQs आएंगे आपके। ठीक है जी सर, और जी आपकी अपलोड हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर ही क्विज हो जाएगा और असाइनमेंट भी आपने यहीं पे अपलोड करनी है। ठीक हो गया जी सर, चले बेटा फिर अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई बात हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिएगा, आपके तमाम लेक्चर अपलोड करके तो मैं साथ साथ आपको लिंक्स उसके भेजते जाता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आप देख रहे हैं ना उसके ऊपर।
यस सर जी सर चलो ठीक है बेटा थैंक यू वेरी मच